नमस्ते, मेरा नाम है किरण, ग्राम गादिया की रहने वाली हूँ और पोस्ट कालीपीठ है, तहसील राजगढ़, जिला भी राजगढ़ ही है। हमें आत्मा अधिकारी के द्वारा SWI गेहूँ की विधि के बारे में बताया गया है, जिससे हमने प्रेरित होकर 1 एकड़ में गेहूँ की बुआई की है। इस विधि में 1 एकड़ जमीन में 10 किलो गेहूं लगाया जाता है। बीज उपचार में लगने वाली सामग्री 10 किलो गेहूं का बीज, 20 लीटर गुनगुना पानी, 5 किलो केचुए की खाद, 4 किलो गुड़, 4 लीटर गोमूत्र, फफूंदी नाशक 20 ग्राम इनकी जरूरत पड़ती है। इसके बीज उपचार करने की विधि, 10 किलो बीज में से उसके कंकड़ और पत्थर को अलग किया जाता है। 20 लीटर गुनगुने पानी में 10 किलो गेहूं को डालते हैं। इसमें पानी में ऊपर आने वाले बीज को छटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इस गुनगुने पानी में 5 किलो केचुए की खाद, 4 किलो गुड़, 4 लीटर गोमूत्र मिलाकर 8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 8 घंटे के बाद इस मिश्रण को कपड़े से छान ले, जिससे बीज एवं अन्य मिश्रण घुल से अलग हो जाए। घोल के पानी को फेंक दे। फिर इसके 8 घंटे बाद बीज को फफूंद नाशक दवाई से बीज उपचार करें। इसके बाद इसको 12 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए गीले बोरे में बांधकर छोड़ देते हैं। इस गेहूं की खेती भी सामान्य गेहूं की खेती की तरह की जाती। इसकी बुआई हमने खेत में 1 से 1.5 इंच कुदाली से नाली बनाकर 8-8 इंच की दूरी पर 2-2 गेहूं की बुआई हमने की है। उसके बाद मिट्टी से ढक देते। इसमें अपना खेत शुरू में बिल्कुल खाली दिखाई देता है, लेकिन फिर भरने के बाद पूरा भरा हुआ सा दिखाई देता है। चोपने के बाद थोड़े दिन बाद ये गेहूं ऐसे लगता है। SWI विधि का प्रयोग सामान्यतः छोटे किसानों के द्वारा कम जमीन में अधिक उत्पादन लेने के लिए किया जा सकता है और बड़े किसान भी इसे अपनाकर लाभ कमा सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहती हूं, जिन किसान भाइयों के पास कम जमीन हो और अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता है, वहां SWI विधि द्वारा गेहूँ की खेती कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते। राजगढ़ क्षेत्र में देखा गया है कि सामान्यतः 1 बीघा में 50 किलो गेहूं फेंकते हैं और इस विधि में 1 एकड़ में 10 किलो गेहूं की आवश्यकता अपन को पड़ती है। छोटे किसान भाई इस विधि को अपनाकर अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। इस विधि में हमें 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूं प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समान गेहूं से बहुत अधिक है। इससे हमें लगने लगा है कि हमारी स्थिति मजबूत बन जाएगी और मजबूत बनेगी और बनती रहेगी।